हेलो बच्चों, मेरा नाम रुचिका शर्मा है। मैं संस्कार पब्लिक स्कूल की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण यानी हिंदी सेकेंड में पाठ एक हमारी भाषा और उसके रूप पढ़ाने जा रही हूँ। यह कक्षा 3 के बच्चों के लिए है। ओके बच्चों, हम शुरू करते हैं। ध्यान हमारी भाषा और उसके रूप। ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए। अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। भारत ने अपना पूरा चंद्रयान 2 अंतरिक्ष में लॉन्च किया। बच्चों, ऊपर दिया गया चित्र दिल्ली दूरदर्शन के न्यूज़ चैनल का है। यह एक समाचार उद्घोषक यानी न्यूज़ एंकर बोलकर समाचारों को दर्शकों तक पहुंचा रहा है, जिसे दर्शक सुनकर समझ रहे हैं। स्क्रीन पर एक पट्टी पर दिन भर के समाचारों को लिखकर चलाया जा रहा है, जिसे दर्शक पढ़कर समझ रहे हैं। स्क्रीन के दाईं ओर एक पुरुष अपने हाथों से इशारों द्वारा समाचार बता रहा है, जिसे मूक और बधिर दर्शक देखकर समझ रहे हैं। बच्चों, इस तरह दिन भर के समाचारों का दर्शकों तक पहुंचाना भाषा के कारण ही संभव हो सका है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह बोलकर ही अपनी बात, अपने मन के विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाता है। जब तक हमारे विचारों और मन के भावों को बोलकर प्रकट नहीं किया जाता, तब तक यह भाषा का रूप नहीं माने जाते। हमारे पूर्वजों ने कुछ विशेष ध्वनियों, शब्दों, चित्रों व संकेतों द्वारा ही अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाया था। अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों का उन भावों या विचारों को समझना ही भाषा है। धन्यवाद।